एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं बुनियादी सुविधाओं के लिए अब भी तरस रहे हैं लोग। ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बैतूल से आई तस्वीर खुद हालात बयां कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विकास के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह जीने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो बैतूल के शाहपुर का है, जहां ग्राम पंचायत पावर झंडा के जामुन ढाना में लोग गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण महिला को भौरा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उसकी सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। बहुत परेशानी है जी, खटिया में पार किए नदी को, 8-10 लोग। 8-10 लोग खटिया में पार कर। हाँ। कितनी दूर तक आपने महिला को खटिया में लाए? 3 किलोमीटर दूर लाए। अच्छा अच्छा, तो नदी में पुल आज तक कभी बना? पहले नहीं, था पुल? कभी नहीं बना। कभी नहीं बना? नहीं, पुल नहीं है? नहीं, मतलब आपके गांव में आने जाने के लिए कोई भी रास्ता बरसात में नहीं? कोई साधन नहीं। नदी में काफी पानी था, इस वजह से महिला को जो है कुछ लोगों ने घाट पर बैठा कर नदी के इस पार कराया और उसको समय पर अस्पताल पहुंचाया, उसका सुरक्षित प्रसव हो पाया। अगर मतलब ऐसी स्थिति बनती है, पानी आ जाता है वो नदी में, तो अक्सर ऐसी स्थिति बनती है, और अगर इसमें पुल का निर्माण हो जाएगा तो इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भी हमारे जो आशा कार्यकर्ता है वो खुद भी बीमार थी, तो उनके पति द्वारा पैदल चलकर नदी उनको क्रॉस कराई गई और काफ़ी पानी था नदी में, वो जोखिम भरी बात थी। कई सालों से ये समस्या होने के बावजूद भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हो सकी है। पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या अब भी जस की तस है। ऐसे में मरीजों को खाट पर लिटाकर ही नदी पार करनी पड़ती है। जैसे भी काफी पहले भी मतलब ये लाखों केस है हो चुकी है सी, लेकिन आज तक किसी ने मतलब ये काम नहीं किया इसके बारे में ना कोई, मतलब सभी लोग आते जाते रहते हैं वोटों के चक्कर में, लेकिन आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आज तक मतलब कोई उठाव नहीं कर पाए। एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये वायरल तस्वीर विकास के दावों की पोल खोल रही है। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सुविधाओं से वंचित ये ग्रामीण विकास के पथ पर कब लौटेंगे। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।